आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे एक क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, नायलॉन, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है वो होते क्या है। जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं वो मोनोमर्स में दो और उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब वो दो फंक्शन वो फंक्शनल ग्रुप्स ग्रुप में स्टेप वाइज कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से जो हमें पॉलीमर मिलता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर NH3, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में ऐसे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें कंडेंसेशन पॉलीमर मिल जाते हैं। ओके, तो पहले अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो देख लेंगे। जो नायलॉन है, नायलॉन क्या है, नायलॉन बेसिकली ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये दो मोनो, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या क्या है, जिससे बनते हैं ये एक है एडिपिक एसिड यानी कि COOH CH2 4 COOH। ओके, और इसके साथ रिएक्शन होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन का CH2 6 NH2। यहां से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और इसके बाद जो फॉर्म होता है वो है, जो मोनोमेरिक यूनिट है नायलॉन का वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एज वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इसलिए हम नायलॉन को हम कह सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है CH2 4 CO। ये जो यूनिट है, यहाँ पे एच नहीं होगा, ये है नायलॉन का मोनोमेरिक यूनिट। ओके, सो नायलॉन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। दूसरा ऑप्शन है बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसे फॉर्म होता है, बेकेलाइट भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेकेलाइट ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। जब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट HCHO, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट हम अगर रिएक्शन करवाते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और फाइनली बेकेलाइट का बेकेलाइट फॉर्म होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाता है बीच में और ऐसे बेकेलाइट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे रहता है CH2, यहाँ पे एक फेनॉल यूनिट अगेन, ओके, यहाँ पे फिर एक CH2, ऐसे चलता जाता है। यहाँ पे नीचे एक CH2, देन अगेन अ फेनॉल यूनिट, फिर यहाँ पे एक CH2, अगेन अ फेनॉल यूनिट, और इसके बीच ऐसे क्रॉस लिंक होते रहते हैं। तो बेसिकली ऐसे फॉर्म होते जाता है, इसको हम कहते हैं बेकेलाइट। तो बेकेलाइट भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि यहाँ पे फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, और थर्ड था यूरिया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो पॉलीमर, ये क्या होता है, ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। यहाँ पे यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। पहले जो यूरिया है NH2 C double bond O NH2, ओके, प्लस इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड, पहले रिएक्शन होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है NH2 C double bond O NH CH2 OH। ओके,
अब ये जो है ये फाइनली कंडेंसेशन करता है, और कंडेंसेशन होने के बाद जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है वो बनता है। यहाँ पे NH, देन CH2, NH, CO, NH, CH2, वो ऐसे चलता जाता है। ओके, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ से हमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमर है वो मिलता है। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज ऑल्सो अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं वो तीनों ही कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ऑल ऑफ द एवर आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।